झारखंड में टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। झारखंड में करीब 18 लोकेशन पर जारी है ईडी की रेड। छापेमारी के दौरान साहिबगंज से अब तक 3 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। सूत्रों के मुताबिक साहिबगंज, मिर्जा चौकी, बरेठ, बरहरवा, राजमहल में चल रही है छापेमारी। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये नकदी अवैध तौर पर माइनिंग घोटाला से जुड़ी हो सकती है। जब्त नकदी की काउंटिंग अभी भी जारी है।